समाचारों की शुरुआत करिए तो वरसाद लेने हवामान विभाग तरफ थी आगाही व्यक्त करवामां आवी छे। राज्यनी अंदर 17 जुलाई द्वारका, पोरबंदर, राजकोट में रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे, तो जूनागढ़, अमरेली, गीर सोमनाथ में पण भारे वरसाद वरसी शके छे, जेने लईने अहींया पण रेड एलर्ट जाहेर करवामां आव्युं छे। कच्छ जामनगर मोरबी में वरसाद ऑरेंज एलर्ट अपायुं छे। सुरेन्द्रनगर, बोटाद, भावनगर, बनासकांठा में पण सामान्यथी भारे वरसाद वरसी शके छे, तो साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद में पण वरसाद ऑरेंज एलर्ट अपायुं छे। सूरत, नवसारी, वलसाड में वरसाद लईने ऑरेंज एलर्ट। दमण, दादरा नगर हवेली में ऑरेंज एलर्ट अपायुं छे। आवतीकाले एटले के 18 जुलाई द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में भारे वरसाद वरसी शके छे। आ तरफ जामनगर अने राजकोट में पण भारे वरसाद ने लईने रेड एलर्ट अपायुं छे। अगले 2 दिन के लिए सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट दिया गया है, जिसमें कि देवन में अगर हम देखते हैं तो अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और द्वारका, राजकोट है। डे टू में जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जामनगर, इनमें रेड अलर्ट दिया गया है। अभी जो गुजरात रीजन में है उसमें कोई रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो बाकी ज़िले हैं उनके लिए, सभी के लिए डे वन और डे टू में ऑरेंज अलर्ट है, लाल रेड अलर्ट को छोड़ के। जो गुजरात रीजन का क्षेत्र है उसमें हमने जो ऑरेंज अलर्ट दिया है वो हमने सूरत, नवसारी, वलसाड में दिया गया है, और नॉर्थ गुजरात में भी कुछ पार्ट में दिया गया है, जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, दाहोद में भी दिया गया है।